हेलो गाइस, वेलकम बैक। और दोबारा से खेलने वाले हैं पोकेमोन एश ग्रे। तो चलो चलते हैं अपन लोग, कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। और अब मेरे को अभी तो मैं मैंड्रिल आइलैंड पे हूँ। और ये क्या है? ये है एक कैफे के अंदर, मुझे नहीं जाना है कैफे के अंदर। ओके, ये कौन है? ये मेरे को ये लॉलिन है जो कि लाइट फोर की मेम्बर है। तो चलो इसके साथ एक बैटल करते हैं। हाँ, तो ये अपने साथ बैटल नहीं करना चाहती, ये पहले ही कह रही है कि तुम हार जाओगे, लेकिन इसके साथ बैटल कर ले रहे हैं। कोई नहीं, If you want power, I'll show you power. Go Charizard। तो इसने अपना Charizard भेज दिया है और इसके पास Charizard भी है। मेरे पास भी Charizard है। Nice work, never send। तो ये देखो यार, ये घूम रहा है। और Go slow bro। तो इसके पास slow bro है, Lorlia के पास। So क्या slow bro recall? तो Charizard return। तो बस इतना ही था यहाँ पर Mandarin Island का, बस इतना ही करना था। बहुत छोटा था वैसे एडवेंचर यहाँ का, तो मेरे को कुछ स्पेशल लग रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यही है रास्ता, और कहाँ की ये रास्ता, यही है और बाकी की रास्ता मेरे हिसाब से। तो ये रहा मैंड्रिन स्टेडियम। और वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू मैंड्रिन आइलैंड स्टेडियम। सो यहाँ पर मैच हो रहा है, वन ऑफ द ऑरेंज आइलैंड बेस्ट, द वन और एंड द ओनली लीग। तो जिंक्स आई स्पंज। तो वाह, देखो यार, जिंक्स ने बहुत इजीली हरा दिया। नाउ दैट्स यू हैव सीन माय डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाई डोंट यू कैम टू माय हाउस ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द हिल्स। तो चलो चलते हैं इसके घर। और क्या नॉर्थ? तो नॉर्थ तो यार नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो चलो चलते हैं नॉर्थ की तरफ। यही है क्या लॉलिया? हाँ यही है यार, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ करना है। जी हाँ, थोड़ा बहुत वो कर लूँ मैं, रिवाइव वगैरह। चलो गाइस, अब इसके साथ बैटल करते हैं। हाँ बस इतना ही करना था, थोड़ा मतलब अब बैटल करते हैं। चलो आई ग्लेड यू टू कम। ओके ओके, और चलो लेट द बैटल। अरे जल्दी बैटल के पे जाए यार, ये फालतू बकवास मत कर, मेरे को मतलब नहीं है बकवास से। मेरे को बस बैटल करना है, लेट द बैटल। सो बैटल, तो एक एक पोकेमोन की बैटल करेगा यार ये। डिपॉजिट कर देते हैं, जल्दी नहीं है जितना पिकाची है इसलिए। और वैसे भी ये लाइट फोर है तो ज़्यादा लेवल की लाएगी ये पोकेमोन, बहुत चालाक है ये भी। क्लॉस्टर पिकाची, चलो पिकाची का अपन लोग वोल्ट टैकल इस्तेमाल करके देखता हूँ। वोल्ट टैकल इसलिए चाहिए या सर कुछ ज़्यादा, मतलब ये अटैक कुछ ज़्यादा असर कर जाए। और ये तो यार वैसे ज़्यादा असर कर दिया, बहुत इजीली हरा दिया। पहले फोर को इतनी इजीली हरा दिया गाइस अपन ने, कुछ ज़्यादा ही मतलब इजीली हरा दिया। तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। 80 लेवल्स का क्लॉस्टर लाइव और मैंने 73 लेवल्स के पिकाचू ने हरा दिया। तो चलो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए जैसे कि ये थी। तो चलो अपन ने तो इसको बहुत ईजीली हरा दिया ये। All, if you earn all the badges and defeat the champion, you'll earn the trophy. मैं इस गेम में कर ही नहीं पाऊँगा ना, ट्रोविटा आइलैंड पे है अगला जिम, तो मेरे को वहीं जाना है अब। तो चलो गाइस चलते हैं ट्रोविटा आइलैंड। और पहले यहाँ देख लूँ यहाँ पर रास्ता है, नहीं यहाँ तो रास्ता नहीं है। तो यहाँ से जाना है मेरे को मतलब सीधी। ओके मार्ट फाइनली मिल गया। तो चलो रैपल का एक क्रश टैग खरीद ले रहा, 20 रैपल खरीदूँगा आपको मैं। टोटल में 99 रैपल्स खरीद सकता हूँ, वो भी कुछ ज़्यादा कम होंगे। तो चलो, लेकिन मेरे को 99 नहीं खरीदने, मैं खरीद ले रहा सिर्फ 11 ही खरीद ले रहा मैं बस। अब इतने ही क्या करना, गेम वैसे ही एंड होने वाला है। बस गाइस थोड़े से एपिसोड और बनेंगे, बस एक एपिसोड या दो एपिसोड और बनने बस, फिर तो गेम वैसे ही एंड होने वाला है। तो अपन को ट्रोविटो आइलैंड जाना है, और ट्रोविटो आइलैंड से पहले मेरे को जहाँ पोकेमोन सेंटर ये रहा, तो हील का रख लाता हूँ जल्दी से। तो हील कराते हैं, टिक 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 टिक। अरे हाँ, मैंने अपनी पोकेमोन को भी नहीं निकाला। तो चलो सबसे पहले पोकेमोन को निकालते हैं।
सो पोकेमोन को तो अपन निकाल लिया, और अब थोड़ा सा मैप भी चेक कर लूँ ट्रोबिटो आइलैंड है कहाँ। वैसे मैंड्रील आइलैंड पे थे ना अपन, तो ट्रोबिटो आइलैंड गाइस यार, ट्रोबिटो आइलैंड का तो ये बता रहा है रास्ता एक मैंड्रील आइलैंड से। यहाँ देखते हैं अब ये ट्रोबिटो आइलैंड का ये बता रहा है, तो चल चल के देखते हैं। और क्या यहाँ से तो नहीं है कहीं, मेरे को तो नहीं लगता यहाँ से हो भी सकता है। हो भी सकता है, वैसे क्या फर्क पड़ता है। चलो ये शायद से रास्ता ये है, यम्बेरा पार्क चलते हैं अब। तो ये रहा मैंड्रील आइलैंड, ये है मैंड्रील आइलैंड असली में। क्या ऊपर से जाना है मुझे? मेरे को तो नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाना है। चलो यहाँ से तो कुछ मिल रहा है अपन को, एक पीचा बेरी, जो कि अपने पीचा बेरी बेरी पाउच में जा चुका है। यहाँ से क्या जगह थी? हाँ यहाँ से थी निकलने की। कितनी भूल भुलैया आए और निकल गए अपन लोग इजीली मैंड्रील आइलैंड। तो क्या बस इतना ही करना था यहाँ पर? अरे सीरियस, बस इतना सही था यहाँ। चलो चलते हैं गाइस, जब अपन लोग अपन को जाना है अब आगे, तो अपन को अब आगे जाना है इधर से जाना है। यही रास्ता है जाने की मेरे हिसाब से तो। हाँ और क्या, नहीं ये रास्ता नहीं है गाइस, तो मेरे को जाना किस तरफ से? चलो पहले ये देखूँ, ये छोड़ के आएगा मेरे को? नो, ये छोड़ के नहीं आएगा, बहुत घटिया इंसान है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें नहीं है बकवास के, मुझे अब वापस से उधर जाना पड़ेगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब पूरा वहीं पर। अब कितनी घूम फिर के वहीं जाना पड़ रहा है यहाँ से, मतलब। और यहाँ से मुझे जाना है एकदम सीधा, मेरे को यहाँ आए ये पार्क में तो नहीं जाना, इतना तो पता है मेरे को। और ये पार्क में नहीं जाना, तो सिंपल सी बात कि मुझे यहाँ जाना है। अब ये है क्या यार, इतना लंबा सा दे रखा है, कुछ नहीं है यहाँ, बस ये सेंटर के पीछे का ही रास्ता है। तो ये मैंड्रील आइलैंड का कुछ अजीब सा वो है, मतलब जगह पीछे का इलाका कह सकते हैं। और यहाँ से तो रास्ता नहीं है, तो कि यहाँ से है। ओके तो रास्ता तो मिल गई अपन को यहाँ से, ये रास्ता। अरे यार बहुत ईजीली मिल गई यार रास्ता, मेरे को यहाँ क्या वेपन लगाने की जरूरत है क्या? ना लगाना हो तो अच्छा है, क्योंकि वेपन मेरे को नहीं लगाना यहाँ, वैसे लगाना पड़ेगा क्योंकि सैंड एरिया है, और सैंड एरिया में रेपल की जरूरत लगती है। यहाँ से ऊपर चलो चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए वैसे। ओके रेपल लगाना था और मैं भूल गया। कौन सा पोकेमोन मिलेगा? एक डिगलेट, वो भी 20 लेवल का। कौन पकड़ना चाहेगा इतने कमज़ोर को? द सैंडस्टॉर्म इज राइजिंग। चलो ठीक है, मेरे को वो नहीं है। तो आगे एक बैटल भी होगा, उस बैटल को तो मैं स्किप ही करूँगा। कहाँ है रेपल? चलो एक जो छोटा वाला रेपल लगा ले रहा मैं, सॉस टाइप वाला है ही, तो लगाने में क्या जा रहा है, तो लगा लो और क्या। यहाँ से तो नहीं है, तो यही है रास्ता, तो बैटल करते हैं इससे और क्या। ली तो चलो चलते हैं अब ऊपर और ऊपर अब। अरे यार कितने बैटल्स होंगे। तो इसको भी हरा दिया, और कुछ ज़्यादा ही कितने बैटल्स अब नहीं होने चाहिए आज ज़्यादा। तो चलो सैंडस्टॉर्म, अरे और तेज हो गया सैंडस्टॉर्म, मुझे लगा कम होगा लेकिन ये तो और तेज हो गया। एक सेकेंड, जब नीचे की रास्ता दे, ओके नीचे नहीं जाना है क्योंकि अगर मैं गया तो बैटल तो करेंगे यहाँ पर, एक और ऊपर भी बैटल ही है। ये क्या कुछ बैटल करेगा? हाउ डी देयर पार्टनर माई नेम? ओके तो ये मैग्नीमाइट का क्या ट्रेनर है, इसके पास इतने सारे मैग्नीमाइट है? नहीं यार ये ठीक है। ओके ओके पोकेमोन सेंटर साउथ ऑफ एयर, टीम रॉकेट, ठीक है अब इनके साथ बैटल करते हैं और क्या। आई नीड टू रीच मैग्नीमाइट टू पोकेमोन सेंटर, जो कि एकदम जो साउथ में पड़ता है। ये कैसे यार, कैसे? गाइस इनको हरा दिया, और अब ये
ये भी गए और क्या, मेरे को क्या यहाँ से जाना है अब। रेपल ऑफ तो लगा लेते हैं जल्दी से, लगाना क्या, रेपल यूज कर लेते हैं। मैं लगाना लगाना कहता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आता होगा। कब निकलूँगा यार इस सैंडस्टॉर्म से, कुछ ज़्यादा ही लंबा सैंडस्टॉर्म है वैसे। और क्या, मैं निकल गया, देखते हैं कितनी और बची है। ओके तो ये रहा, चलो पहले इससे बात कर लेते हैं। आई कांट थैंक यू इनो फॉर हेल्पिंग मी सातोशी, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है वैसे, थैंक यू, ये तो मेरा फ़र्ज था। तो इनटेक, तो ये इसने अपन को एक मैग्नेट दिया है और मैग्नेट से मैं मैग्नी माइक को पकड़ सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट जिम जो है वो साउथ में है और देयर इज अ फेरी इन द ट्रोपोपलियन। तो चलो चलते हैं, पहले हील करा लेता हूँ। ओह माय गॉड, कितने सारे मैग्नी माइट हैं यार इस पोकेमोन सेंटर में, कितने सारे मैग्नी माइट हैं। इनको यार कुछ ना कुछ तो छोड़ो अब, हाँ उसके ही मैग्नी माइट है वैसे भी, कौन कितने सारे पकड़े हैं उसने वैसे। तो चलो गाइस चलते हैं अपन लोग, और अपन को जाना है अब, क्या ना जगह बताई थी उसने, यही जगह बता, ये मैं रुक क्यों गया, ये मैं कितनी लंबी रास्ता थी ब्रो, कितनी लंबी रास्ता घूम के अपन लोग आ चुके हैं। और ये यहाँ क्या है, फिर से वही चीज, अरे सीरियस मेरे को यार फिर से वही चीज करनी है, करते हैं और क्या। तो गाइस मैं निकल गया और इस बार तो मैंने सोच लिया था कि मैं फंस गया, लेकिन नहीं फंसा, अच्छी बात है। तो ये अपन लोग आ चुके हैं, कौन सी जगह, ये कौन सी जगह देखते हैं। हाँ रेपल। तो गाइस मैं यहाँ वापस से इसलिए आया हूँ क्योंकि, अरे बाहर क्यों, मेरे को अंदर जाना है। सो मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ से अब एक पोकेमोन को पकड़ के जाना है। तो देख सकते हो स्ट्रेंज क्राई, तो ये वही सीवर से कुछ आवाज़ आ रही है, तो अपन को वही चेक करने के लिए अपन लोग यहाँ आए हैं। तो चल चलते हैं। तो मेरे को अभी एकदम पूरे डीप तक जाना होगा, ये देखो यार बार बार यही आते जा रहा है, आते जा रहा है। तो चलो चलते हैं, शायद से यहीं से ही रास्ता है। और कितनी लंबी रास्ता है यार इस सीवर की, तो मैं इस तरफ से चलते हैं। और क्या पर लोग पहुँच गए, नहीं नहीं अभी नहीं पहुँचे, सीवर से अभी भी आवाज़ आ रही है आवाज़। तो चलो गारे गाइस, ये कितनी वो लंबी रास्ता है। तो चलो फाइनली अपन लोग पहुंच गए जहाँ मेरे को पहुंचना था शायद। हाँ बल्बसौर, बल्बसौर की थी आवाज़, ऐसे वाइल बल्बसौर। तो चलो इसको अपन लोग पिक कर लेते हैं अभी और चलते हैं अपन लोग। अब मेरे को यहीं से जाने का ऐसे, अब जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो चलो गाइस अपन लोग तो यहाँ से बहुत ईजीली निकल गए। तो अब मेरे को जाना है, कहाँ पर जाना है, ये इसी जगह पर जाना था शायद से मेरे को। ये कौन है, इफ़ यू वॉन्ट स्टोबेडा आइलैंड, हाँ ठीक है। तो अब मेरे को ट्रो, तो चलो ये नहीं ऑफिसर जैनी और इनको दे देते हैं वो बल्बसौर। तो इन अपन ने इनको बल्बसौर दे दिया, थैंक यू फॉर हेल्प। एक सेकेंड, क्या बल्बसौर मेरे पास अभी है तो नहीं ना। तो ये रहा इनका ही बल्बसौर है वो, ठीक है। अब मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ, वरना मेरे पास बल्बसौर हुआ तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, दिक्कत हो जाएगी। नहीं है मेरे पास बल्बसौर, ये मेरी बल्बसौर है साथ लगल का। तो चलो गाइस चलते हैं अब अपन लोग आगे, हमको जाना है ट्रोविटा आइलैंड। नहीं ये तो यही है ट्रोविटा आइलैंड, अब मेरे को यहाँ से जाना है शायद से। तो ये मेरे को ले जाएगा ट्रोविटा आइलैंड। अच्छा तो अभी मैं ट्रोविटा आइलैंड में नहीं था और पहुँच गए। तो क्या हेल्प, तो मिस्टी यहाँ पर आ गई और इसने बचा दिया इसको। तो क्या बस इतना ही करना था ये क्या बस जान बचा दिया अब क्या। मैरी, तो ये एक अच्छा, ये वो है, ये थर्ड जिम लीडर है गाइस ऑरेंज आइलैंड का। तो इसको भी अपन लोग अब इससे तो नहीं हारने वाले, दो जिम हार चुके हैं तो तीसरा तो नहीं हारना चाहूँगा मैं। और एक तो उन्होंने रीमैच भी नहीं किया मेरे साथ, जैसे कि बाकी और इंडियो लीग के जैसे जिम लीडर्स कर लेते हैं। तो ये रूडी है और रूडी कुछ ज़्यादा ही रूड है। तो अपन लोग मिस्टी के कहने पर इसने जिम के लिए हाँ कहा है चैलेंज के लिए, ये तो यार बहुत बुरी बात है। तो चलो हील करा लेते सबसे पहले। चलो गाइस अब चलते हैं अपन लोग। और अब मेरे को यहाँ यार रास्ता ही नहीं दिख रही, यहाँ से रास्ता है कहाँ,
यहाँ से कहाँ है रास्ता? ओके यहाँ से तो नहीं है कहीं। अरे यहीं से ही है रास्ता, और ये सर्फ करके जाना है मुझे यहाँ से। अब कुछ ज़्यादा ही अजीब सी रास्ता दे रखी है इन लोगों ने, और ये यहाँ पर मार्ट भी है, लेकिन मार्ट से मेरे को कुछ नहीं लेना है। सब लोग आ चुके हैं, और ये रहा ये रूडी, और रूडी तीन बैटल मतलब तीन तरीके के बैटल करेगा, मतलब तीन राउंड होंगे इस चैलेंज में। तो चलो देखते हैं, पहला राउंड इलेक्ट्रिक बोला गया, जैसे शायद से पहला तो इलेक्ट्रिक ही रखता है मैंने अगर जैसे एनिमे देखा है तो। तो थ्री सेपरेट राउंड, तो एक एक पोकेमोन के पहला है इलेक्ट्रिक, दूसरा है ग्रास, और तीसरा है वाटर। तो वाटर के लिए तो यार इस बार मैं अपने स्क्वर्टल को नहीं लूँगा, क्योंकि स्क्वर्टल को इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे बैटल्स में उसको ले लिया था विद्रोह ने मेरे को। तो अभी डिपॉजिट कराना है अपने पोकेमोन, तो इन सबको ही डिपॉजिट करा देते हैं जल्दी से। तो चलो अब बैटल शुरू करते हैं, और मैं मतलब कंटिन्यू बैटल कर दूंगा इस बैटल में, मैं अपनी आवाज़ नहीं दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट बल्बासोर को भी ले आऊँगा, और लैपिस को साथ का बैटल साथ में ही दिखा देंगे। तो गाइस दो राउंड में जीत चुका हूँ, और एक ही राउंड ये जीत पाया, तो अपन को मिल चुका है स्पाइक शेल बैच, जो कि पहला जिम बैच है इस ऑरेंज आइलैंड का। और पता नहीं अगर अब लीग हुई तो मैं वापस से मुझे पीछे जाना पड़ेगा जिम बैच लेने के लिए। और यहाँ से क्या रास्ता है? तो यहाँ से आगे जाने की रास्ता है, सो मेरे को अब आगे तो क्या आता हूँ जल्दी से। पता नहीं कहाँ मिलेगा वैसे ये, I don't know, आपको पता हो तो प्लीज़ बताना। शायद से ये देता हो, सो अपन को मिल चुका है वर्लपूलर, जो कि मिस्टी से मिलना था। सो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर आया, और एक सेकंड में ये भी देख ले रहा कि मेरे पास बैज है कि नहीं। नहीं यार नहीं बता रहे बैज, तो इसका मतलब बैज मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर मायने रखता तो वो अपने मतलब अपने नाम में बताता ना।
तो चलो अब चलते हैं जल्दी से। और आज की वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, हाँ क्योंकि मैंने आज की वीडियो में 2-3 काम कर लिए हैं इसलिए। सो चल वर्लपूलर, तो अपन लोगों को अब कौन सी ये रास्ता से जाना है क्या? ये कौन सी रास्ता आ गया मेरे को, यहाँ आना ही था। कितनी गलत रास्ता चुन रहा हूँ, एक तो वैसे ही इतनी लंबी वीडियो हो गई और मैं इतनी गलत रास्ता चुन के और लंबी कर रहा हूँ। इधर से जाना था मेरे को, और चलो चलते हैं। अरे यार रैपल का भी एक वो है, हाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये रैपल भी। स्वेल तो वर्लपूलर इस्तेमाल कर लिया है, और यहाँ से तो नहीं जाना है, इतना तो पता है। क्या मेरे को यहाँ से भी नहीं जाना है, तो मुझे यहीं से ही जाना है। अरे यह तो रास्ता यार बहुत, कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ मैं, उल्टी सीधी रास्ता पकड़ रहा हूँ बेफालतू में। वो भी जब इधर से जाना ही नहीं है तो भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो यही है रास्ता मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक नाम ओहो। तो यहाँ से तो अपन लोग बहुत ईजीली चले गए, कि यहीं से ही जाना है। हाँ यहीं से ही जाना है, तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से। ओके तो पहुंच चुके अपन लोग फेरी चिल्ड आइलैंड, और ये क्या टीम रॉकेट लुक्स लाइक यू फील फ्रॉम द टॉप। तो चलो गाइस इनसे एक बैटल करते हैं जल्दी से। तो क्या पिकाचू, गो पिकाचू, वी गॉट ये, क्या सही में इन लोगों को मेरा पिकाचू मिल गया। सो गाइस अब मेरे को जल्दी से अपने पिकाचू को निकालना पड़ेगा, वैसे कहां से जा सकता हूं। कितने घूम फिर के आए अपन लोग और फाइनली पहुंच गए, यहाँ से ही जाना है शायद से। और ये पहुंच गए, पिकाचू रिट्रीव्ड कर लेते हैं इसको अपन लोग। तो ये रहा मियाउ, अरे यार टीम रॉकेट भी आ गई यार, मेरे को लगा नहीं आएगी लेकिन जो आ गई। तो चलो इनके साथ एक बैटल करते हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस अपन ने हरा दिया, अब क्या कर सकते हैं। सो ब्लास्टिंग ऑफ अगेन, ये तो इनका रोज का है यार, रोज ही ये ब्लास्ट होते हैं अपने हर एपिसोड में, और मैं भी रोज ही वीडियो डाल रहा हूँ अब। इतना तो मैंने यार नोटिस किया कि मेरी वीडियो बहुत रोज आ रही है। तो आपको अगर आपको ये रोज का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आप क्यों भूल जाते हो बार बार। तो क्या यहाँ से जाना है, नहीं नहीं यहाँ से तो नहीं है रास्ता, लेकिन क्या यहाँ से है क्या रास्ता, आई थिंक नहीं है यहाँ से भी। मेरे को रास्ता मिल जाए बस जल्दी से, यहाँ से भी नहीं है तो फिर यहीं, ये रैपल पहले ख़त्म हो जाता हैगा, मेरे पास अब सिर्फ 5 ही रैपल बचे हैं इसके बाद, और वो भी मैक्स रैपल चुन रहा हूँ मैं, कोई सस्ता रैपल भी नहीं चुन रहा। सो अपन को मिल चुकी है रास्ता, ये रही रास्ता फाइनली। तो चलो गाइस जल्दी से यहाँ से चलते हैं और अगले आइलैंड पहुँच के वीडियो को एंड करते हैं। और क्या रूट 7, यही तो बात है यार, रूट 7 में आप बहुत कुछ करेंगे, क्या करेंगे वैसे। अब रूट 7 से निकल के कौन सा आइलैंड पड़ता है मेरे को नहीं पता। ये क्या यहाँ पर, ये क्या मिल रहा है अपन को, अरे रुक जा रही है, सामान तो ले लूँ पहले मैं, आई सी ठीक है, अब आइटम मिलते रहते हैं ऐसे। तो चलो चलते हैं।
ओ माय गॉड, कितने ट्रेनर्स हैं यहाँ तो यार। अब तो यार बैटल्स करेंगे इन ट्रेनर्स के साथ, तो स्किप ही करूँगा इतने बैटल्स को। इसको हरा दिया, लेकिन पोकेमोन को स्विच कर ले रहा मैं, और मैं पिकाचू को ओपन पे रख ले रहा। स्क्वेडल को इसलिए नहीं क्योंकि स्क्वेडल अभी ज़्यादा लेवल का नहीं है, और अब आगे और फाइट नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ और ट्रेनर्स मत देना प्लीज़, क्योंकि यार इतने ट्रेनर्स दोगे तो मेरी वीडियो लंबी होगी। वैसे मैं स्किप ही करूँगा इनके बैटल्स अपनी वीडियो के क्लिप में। ये क्या निकलाते हैं जिसे, क्लोज कॉल, माई नेम इज़ टैड, तो योर सेल्फ अ बैज एट द ट्रोबिट आइलैंड डिडेंट यू। क्या सही में वहाँ एक जिम लीडर था जिससे मैं बैटल नहीं करा था मैंने ट्रोबिटो आइलैंड पे, तो चलो उसका बैटल आप अपन लोग करेंगे। सेलो क्या नाम आइलैंड का बताया मैं भूल गया, लेकिन यहाँ ट्रेनर्स नहीं मिलना चाहिए, मिल गए। अरे यार कितने बैटल्स होंगे यार, कितने बैटल्स, और अब और बैटल्स मत दो यार गेम। तो फाइनली गाइस बैटल ख़त्म ही, और ये रहा वो ट्रेनर जिसके साथ मेरे को बैटल करना था। सो सातोशी, हाँ हाँ मेरे को वो नहीं करना, तो मेरा चार्जर सही है। सातोशी क्या कर रहा है गेम के अंदर। हाँ चलो चार्जर को मैं भी चुनता वैसे। अरे यार चार्जर मेरी बात सुन लेना प्लीज़, चार्जर गाइस मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। आई सी, ये तो चीटिंग है यार, तूने मेरे पोकेमोन पे बिना पूछे असर कैसे कर दिया। सो गाइस मेरे पास अच्छी बात है, मेरे पास एक आई सील पड़ा हुआ था। आर यू सीरियस, चारिज़ार्ड अब मेरी रिस्पेक्ट करने लगा। सो चलो गाइस एक बैटल करते हैं चारिज़ार्ड के साथ। तो चलो गाइस इसके साथ एक चारिज़ार्ड के साथ बैटल करते हैं और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। हाँ बस इतना ही करना था आज की वीडियो में, और नहीं बड़ी करना चाहता हूँ, वरना आप ही कहोगे कि एक ही वीडियो एक घंटे की, इतनी बड़ी पोकेमोन वीडियो कौन देखेगा। हाँ वैसे बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोगों को छोटी वीडियो ही पसंद आती है, और जिस तरीके से मैं बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ उस तरीके से तो किसी को भी पसंद नहीं आएंगे। तो चलो बैटल शुरू करते हैं। रीमैच का पहला मैच है, तो ये टैड के साथ ये मेरा पहला मैच है शायद से। सो मैं इस बैटल में तो मैं अपनी आवाज़ ज़रूर दूँगा। तो पॉलीवर्थ को चुन रहा है पॉलीवर्थ, और मेरा 59 लेवल का है, तो मैं सेस में टॉस चुनूंगा। सेस में टॉस ऊपर, सेस में टॉस नीचे, और मैंने हाँ आपके पोकेमोन को अर्थक्वेक भी सिखा दिया था, तो अर्थक्वेक का भी एक एडवांटेज है। आई सील, कितनी चीटिंग करते हैं यार ये लोग, आई सील से तो यार मेरा पूरा पोकेमोन मर सकता है, लेकिन कोई नहीं अर्थक्वेक है अपने पास, मेरे पास में यार ऐसा ऐसा अटैक है जिससे कि ये बहुत ईजिली हार सकता है। बस एक और अर्थक्वेक और खेल ख़त्म। बबल बीम ये असर करेगा जरूर, ये जरूर असर करेगा लग ही रहा था, और ये बहुत ज़्यादा असर करती है यार। सही में कितना असर किया इसने, आधी खत आधी पे ले आया वो। सो गाइस अपन लोग जीत चुके हैं बैटल, बैटल और बैटल जीत गए अपन लोग। सो एज ट्रेनर टैड हार चुका है, और कुछ ज़्यादा इजी तरीके से हार गया ये। सो ये ग्रेट बैटल था, और अब तो हाँ मेरे पोकेमोन को तो निकाल लेते, मेरे को तो मेरे 3-4 पोकेमोन को ही निकालना है। लैप्रेस के साथ बल मेरी टीम में पास, देखो यार मेरे पास वैसे तो 8 पोकेमोन नहीं मतलब कितने 5 और हाँ 8 पोकेमोन है टोटल, लेकिन मैं फिर भी अपने सफ़र के साथ से 5 ही रख रहा हूँ ऑलेज आइलैंड के। तो चलो गाइस चलते हैं हम अपन लोग यहाँ से, अब देखते हैं कौन से आइलैंड पर पहुँचना है अपन को, क्योंकि उसी आइलैंड पर पहुँच के अपन लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। तो मेरे को और बैटल्स तो नहीं करने ना यहाँ पर, क्योंकि अगर करने हुए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। सो ओके गाइस, तो आज की वीडियो मैं बस यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। हाँ थोड़ी बड़ी बन गई ये वीडियो, लेकिन आप इंजॉय कर लेना यार प्लीज़, मैंने आपके लिए बनाई है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, सायोनारा।